ड्रैगन सच में कभी नहीं सुधरेगा, वो भले ही मीठी मीठी बातें कर ले मगर उसके दिल में जहर के सिवा कुछ और नहीं है। कहां तो भारत के संग बेहतर रिश्ते की बात कर रहा था, सीमा विवाद सुलझाने के लिए भारत से हाथ मिलाने की बात कर रहा था, मगर अब उसने अपनी औकात दिखा दी। चीन से भारत का विकास देखा नहीं जा रहा है, यही वजह है कि वो तिलमिला उठा है और फिर गीदड़ भभकी पर उतर आया है। भारत अपनी सरजमी पर विकास के काम कर रहा है मगर मिर्ची चीन को लग रही है। चालबाज चीन ने फिर से भारत की सरजमी पर अपना हक जताया है। चीन ने जहर उगलते हुए कहा है, भारत को अरुणाचल प्रदेश में सीमा पर कोई विकास कार्य करने का हक नहीं है। दरअसल अरुणाचल प्रदेश को लेकर मोदी सरकार ने बड़ा प्लान तैयार किया है जिसके तहत 12 जल विद्युत स्टेशनों का निर्माण होगा और इसके लिए मोदी सरकार खर्च करने जा रही है 4,136 करोड़ रुपए। अब जैसे ये खबर चीन को मिली वो भड़क उठा और हर बार की तरह जहर उगलने लगा। अब सवाल यह है कि चीन को दिक्कत क्यों हो रही है और भारत कैसे चीन को अरुणाचल से करारा जवाब दे रहा है, आइए बताते हैं। भारत और चीन के बीच विवाद लंबे समय से बना हुआ है लेकिन पिछले कुछ सालों में यह तनाव ज्यादा बढ़ गया है। चीनी सीमा पर बढ़ते दबाव के बीच भारत की ओर से सीमा को मजबूत करने की कोशिश लगातार जारी है। अब चीन के साथ जल युद्ध के संभावित खतरे को देखते हुए भारत ने अरुणाचल प्रदेश में अपर सुबनसिरी में 11,000 मेगावाट की अपनी सबसे बड़ी पनबिजली परियोजना शुरू की है। उत्तर पूर्व में अपनी सीमाओं के बेहद करीब आने वाले चीनी बांधों को देखते हुए भारत भी अलर्ट हो गया है और वो मूल्यांकन समिति की सिफारिशों और बिजली मंत्रालय की ओर से थ्योरेटिकल अप्रूवल दिए जाने के बाद NHPC को पोटेंशियल एलोकेशन के लिए 3 रुकी हुई प्रोजेक्ट्स को पूरा करने में तेजी ला रहा है। इस प्रोजेक्ट को जल्दी पूरा करने का कारण यह है कि अरुणाचल प्रदेश की सीमा में ब्रह्मपुत्र पर 60,000 मेगावाट की चीनी प्रोजेक्ट की कई ऐसी योजनाएं देश के लिए चिंता का कारण हो सकती हैं। जैसे अगर चीन ने इसे मोड़ दिया तो इस तरफ पानी की कमी हो सकती है। अगर चीन अचानक से पानी छोड़ देता है तो अरुणाचल प्रदेश और असम में लाखों लोग बाढ़ से प्रभावित हो जाएंगे, साथ ही पर्यावरण को लेकर गंभीर चिंता भी बढ़ जाएगी। इसलिए इस प्रोजेक्ट पर तेजी से काम चल रहा है। दोस्तों, यह भारत का सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है। इस रीजन में डैम्स की दीवार बनाई जा रही है। यह एक डिफेंसिव वॉल होगी। चाइना द्वारा छोड़े गए वाटर वॉर के लिए भारत तैयारी कर रहा है और यह डिफेंस शील्ड जो भारत अरुणाचल प्रदेश में तैयार कर रहा है यही भारत के अटैक का जरिया बनेगा ताकि चाइना के सारे मनसूबों को पानी में डुबोया जा सके और चाइना को अच्छा सबक भी सिखाया जा सके। इस बीच समाचार एजेंसी राइटर्स के मुताबिक चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत को उस इलाके में विकास कार्य करने का कोई हक नहीं है जिसे चीन दक्षिण तिब्बत कहता है। चीन का यह बयान राइटर्स के उस रिपोर्ट पर आया है जिसमें भारत के सीमावर्ती राज्य अरुणाचल प्रदेश में जल विद्युत परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाने में भारत की योजना का जिक्र है। चीनी विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि साउथ तिब्बत चीन का क्षेत्र है। झूठ पर झूठ बोलते हुए चीनी विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा, भारत को वहां विकास कार्य करने का कोई अधिकार नहीं है और चीनी क्षेत्र में भारत जिस अरुणाचल प्रदेश को अपना बताता है उसकी स्थापना अवैध और अमान्य है। तो ये था चीन का बयान जिसे अरुणाचल प्रदेश के विकास से दिक्कत हो रही है और हर बार की तरह इस बार भी वो टांग अड़ाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन भारत को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि भारतीय विदेश मंत्रालय ने चीन के इस बयान पर अभी तक कोई टिप्पणी नहीं की है। लेकिन भारत हमेशा से ये कहता रहा है कि यह चीन के ऐसे ऊटपटांग दावे को सिरे से खारिज करता रहा है। भारत ने साफ शब्दों में चीन और पूरी दुनिया को कहा है कि अरुणाचल प्रदेश उसका अभिन्न अंग है। अब भारत के इस कदम से चीन को ऐसी चोट लगी है कि वो छटपटा रहा है। बात अगर अरुणाचल प्रदेश की करें तो अरुणाचल भारत का हिस्सा शुरू से था और आगे भी रहेगा। बस चीन को इससे आपत्ति है क्योंकि चीन को पता है कि अगर अरुणाचल का विकास भारत करेगा तो भारत को उससे फायदा होगा और हो भी रहा है। खैर, कुछ भी हो, देखना तो यह होगा कि भारत अरुणाचल में और कितना विकास करता है और किस तरह से चीन को भारत तमीज सिखाएगा। और अरुणाचल प्रदेश पर भारत ने जिस तरह से चीन को करारा जवाब दिया उसे लेकर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।